अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, पैकेट्स के पैकेट शीशे के ख़त्म हो गए हैं और ये लड़ियाँ बना रहे हैं। लड़ियाँ ख़त्म होंगी तो फिर मटकियों पे कलर स्टार्ट होगा। आई थिंक यही वीक है मेरे पास जिसमें मुझे सब असेंबल करना है, और उसके बाद कॉपर वर्क भी है, आई मीन कॉपर की ट्रेज और सिल्वर का भी थोड़ा सा काम है। ये सारा डेकोरेशन का काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स हिम्मत भी चाहिए होती है काम के लिए, और माइंड मुस्तकिल चलता रहता है। बट मेरा ब्रेन तो एवरी टाइम इट वर्क्स, लाइक कहीं भी हूँ मैं डिज़ाइन डेकोरेशन ये सब के बारे में सोचती रहती हूँ। लाइक दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द ड्रेसेस, ड्रेसेस के साथ तो उसकी डिटेलिंग देर इज़ अ होल लॉट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसका इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो एम्बियंस क्रिएट होता है, मैं उस पर भी वर्क करती हूँ। आई मीन बहुत कंसोलिडेटेड लगना चाहिए हर चीज़, बहुत ज़्यादा फोकस्ड लगनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस ब्यूटिफुल मिरर लड़ियाँ। अभी इसकी एंडिंग पे मैं सारे घुंघरू लगाऊंगी और क्लोजअप से भी दिखाती हूँ जो ये जुनैद लगा रहा है इसका। सो आई हैव टू पियर्स थ्रू द लड़ियाँ, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है और इसका इफेक्ट, ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग लाइक अ वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, इट्स लुकिंग लाइक अ वाव, ओह माय गॉड। ये जुनैद देखो, यहाँ से देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ओह माय गॉड, बहुत प्रिटी लग रहा है। जुनैद की बहुत मेहनत है, 2-3-4 हफ्तों से हम लगे हुए हैं और उसने बहुत मेहनत की, नो डाउट। अभी ये बना, सो टाइम कंज्यूमिंग वर्क, अल्लाह पूरा पूरा दिन लग के भी ना बनाई तो है काफ़ी सारी, बट इसमें एक एक को डबल डबल, मैं इसका क्लोजअप दिखाती हूँ, बनी हुई एक दिखाना, एक बनी हुई दिखाना, हाँ जो सूख गई हो, हाँ इसका ना इस तरह से डबल डबल इसमें लग रहा है। ये देखें मेरे नेल्स येलो हो रहे हैं क्योंकि मैंने उपटन किया था, इसमें ये डबल डबल किया हुआ है, तो पहले एक साइड से सूखता है फिर दूसरा लगाते हैं, देखें कितने सारे, आई थिंक ये तीसरा बॉक्स है और ये छोटे वाले तो बहुत हैं, बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, मैं भी लगी हुई हूँ, आई डोंट नो कितना टाइम और लगेगा, जुनैद भी लगा हुआ है, आई थिंक नेक्स्ट वीक भी लग जाएगा हमें। आई एम डबलिंग, क्लोजअप से दिखाना है, एक एक शीशे के ऊपर इसका सैंडविच बनाते जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से छोटा वाला गोल उठाया, थोड़ा सा टूटा हुआ है बट इट्स ओके, और इसका भी सैंडविच बनाया, इस तरह से सैंडविच बना बना के ना ये पूरी लड़ी में सैंडविच बनेगा। इस तरह से एक और बनाती हूँ, ये शीशा मैंने ऑर्डर पे बनवाया, ये इतने इजीली मिलता नहीं है ये साइज़, क्योंकि ये कपड़ों में तो यूज़ होता नहीं इतना बड़ा शीशा, तकरीबन 2.5 इंच का है, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया, एक बॉक्स बनवाया था वो ख़त्म हो गया, फिर मैंने 2 और बॉक्स बनवाए, एक और भी मैंने शीशा बनवाया जो ड्रॉपलेट स्टाइल का है, वो भी मैं दिखाती हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। इस तरह से ये लड़ी बन रही है, पूरा दिन हो गया, इसका जो फाइनल लुक आएगा ना वो इस तरह से आएगा, इस तरह से हैंग होंगी। अच्छा हैंग होंगी तो इसके नीचे भी मैं एक एक ड्रॉपलेट पर्ल का लगाऊंगी और उसके साथ एक मोटा वाला घुंघरू लगाऊंगी, आई थिंक 2 लगा दूंगी ताकि ये जब हिले तो वो थोड़ा सा साउंड क्रिएट हो। शीशों की भी खनक आ रही है बट वो घुंघरू की साउंड से बहुत ब्यूटीफुल, दोनों मिक्स होंगे तो एक म्यूज़िक वाली मेलोडी टाइप का बन जाएगा। तो ये सब तैयारी है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। लव यू, बाय।